उसे पे अगली खबर की बात करते हैं तो स्पेस टेक स्टार्टअप को लेकर आ रही है और अब स्पेस टेक स्टार्टअप के माध्यम से जो लोकल टेक एक्सपर्टीज हैं और इन्वेस्टर्स हैं वो सब भारत सरकार की पॉलिसी के तहत भारत में स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने वाली हैं। भारत की स्पेस स्टार्टअप कंपनियां जैसे कि पिक्सेल, बेलाट्रिक्स, एरोस्पेस, अग्निकुल, वेस्टा स्पेस जैसे स्टार्टअप, इन्होंने एक बड़ी संख्या में इस चाइनीज वायरस के प्रभाव के बीच काफी धन जुटा है ताकि वे अंतरिक्ष में नए अवसरों की पहचान कर सके जो कि इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। हालांकि इसरो अब तक अंतरिक्ष क्षेत्र में चलने के लिए सबसे आगे रहा। वित्त मंत्री ने मई में प्राइवेट प्लेयर्स के लिए इस क्षेत्र को खोलने की घोषणा की थी। सुधारों में निजी कंपनियों के लिए क्षेपण और अंतरिक्ष आधारित सेवाएं शामिल है जो निजी खिलाड़ियों के लिए एक प्रिडिक्टेबल पॉलिसी और रेगुलेटरी एनवायरमेंट पेश करती है। ब्लूम वेंचर्स के प्रिंसिपल अर्पित अग्रवाल ने कहा कि भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप बेहद अच्छे हैं और एक सेगमेंट में अमेरिका की तुलना में एक तिहाई लागत से रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। ब्लूम वेंचर्स, स्टार्टअप एक्सीड और इन्फ्लेक्सर वेंचर जैसे इन्वेस्टर जिन्होंने स्पेस स्टार्टअप पर दांव लगाया है, उनका मानना है कि स्पेस टेक का समय अब काफी मैच्योर हो चुका है जो कि टेलीविंस के द्वारा संचालित है जिसमें माइक्रो उपग्रहों के प्रसार, लॉन्च की लागत में कमी और लॉन्च की आवश्यकताएं शामिल हैं। हमारे ग्रह पर स्पेस टेक के भारत में कई फायदे हैं। अमेरिकी कंपनियों की तुलना में भारतीय कंपनियां विनिर्माण और परिचालन लागत दोनों के लिए कम खर्च करेंगी। हमारे पास इंजीनियर्स का एक विशाल टैलेंट है जिसे हम टैप कर सकते हैं और एक इकोसिस्टम बना सकते हैं। पिक्सेल के सीईओ अवसी अहमद ने कहा कि अगस्त में सीड फंडिंग में करीबन $5 मिलियन उन्होंने जुटाए हैं। पिक्सेल सैटेलाइट ने क्लेम किया है कि वे हाई क्वालिटी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। वैश्विक समस्याओं का पता लगाने, निगरानी करने और भविष्यवाणी करने के लिए मशीनों को और गहरे शिक्षण मॉडल का उपयोग उन्होंने करना है। पहला उपग्रह इस साल के अंत में सोयुज रॉकेट पर लॉन्च करने वाले हैं। अहमद ने कहा कि उन्होंने साल जनवरी में पहले उपग्रह का विनिर्माण और परीक्षण पूरा कर लिया है और एक लॉन्च के लिए बुक भी किया है। लॉकडाउन के कारण अब इसे नवंबर या दिसंबर में लॉन्च किया जा सकता है। इसी बीच हमारा दूसरा उपग्रह बन रहा है। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि IISc इनक्यूबेटेड स्टार्टअप इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के लिए इसरो से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अनुबंध रखने वाला भी भारत का एकमात्र उपक्रम बन गया है। इसके अलावा मेडिकल इमेजिंग, ड्रोन, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और स्पेस टेक में भी काम करने के लिए भारत के स्टार्टअप में बहुत क्षमता है और इस तरीके के इकोसिस्टम का मिलना भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नया कदम हो सकता है। तो सबसे अगली खबर की बात करते हैं तो वो चीन के स्पेस प्रोग्राम को लेकर आ रही है। दरअसल आधी अधूरी तैयारी करता है चीन और जल्दबाजी में हर चीज करने की कोशिश करता है। ऐसे में जो बात होनी थी वो हुई। दरअसल चीन का सैटेलाइट अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही फेल हो गया और बीच आसमान में भटककर क्रैश हो गया। अंतरिक्ष का सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे चीन को वैज्ञानिक खोज से ज्यादा चिंता जल्दी से जल्दी आगे निकलने और दुनिया के देशों के बीच रौब जमाने की है। इसीलिए उसके कई स्पेस मिशन लगातार फेल होते हैं। चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस मिशन की नाकामयाबी की एक छोटी सी खबर प्रकाशित की। इसमें कहा गया कि चीन का ऑप्टिकल रिमोट सेंसर सैटेलाइट जिलिन 1 गोफेन 02C पूर्व निर्धारित कक्षा तक पहुंचने से पहले फेल हो गया। अब चीन की स्पेस एजेंसियां इस मिशन के फेल होने के कारणों की जांच कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि जिलिन 1 गोफेन 02C सैटेलाइट हाई रेजोल्यूशन कैमरों से लैस था। spacenews.com की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में चीन के कुल 26 लॉन्च में से ये चौथी नाकामयाबी थी। हालांकि दोस्तों चीन की स्पेस एजेंसियां जो कि ये जांच कर रही हैं कि ये क्यों फेल हुआ, उसको जांच करने की जरूरत है ही नहीं। पूरी दुनिया जानती है कि चीन के माल यानी कि चाइनीज जो माल होता है वो कभी टिकता नहीं है, तो ऐसे में ज्यादा जांच करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये समझा जा सकता है कि जो उनका दिखावा है वो सामने आ रहा है।